जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोफ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ तेज पत्ते के वो अचूक उपाय जिसको करने से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई समस्या है या कोई आपकी ऐसी इच्छा है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं और वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो तेज पत्ते के उपाय से आप अपनी हर प्रकार की इच्छा पूरी कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि वो इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तेज पत्ता जो हम खाने में यूज़ करते हैं, आप सभी जानते हैं जब वो खाने में डल जाता है तो खाना कितना टेस्टी हो जाता है, खाने की वैल्यू बढ़ जाती है। यही तेज पत्ता हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इस तेज पत्ते से उपाय करते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी हम दूर कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जानते हैं कैसे? तेज पत्ते के प्रयोग से छोटा सा तेज पत्ता अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप मार्केट से भी लाते हैं तो कितने का आता है? 20-30 रुपए का आ जाता है। और यही तेज पत्ता आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल है। तेज पत्ता गणेश जी को बहुत प्रिय है, तेज पत्ता कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, क्या आप पहले से जानते थे? यदि आप गणेश जी, कृष्ण जी और माता लक्ष्मी को तेज पत्ता अर्पित करते हैं तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। तो कैसे अर्पित करना है? आपने हर बुधवार गणेश जी को तेज पत्ता अर्पित करना है, 5, 7 या 11। एक पत्ता नहीं अर्पित करेंगे, 5, 7, 11 पत्ते आपने बुधवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद गणेश जी को अर्पित करेंगे। अर्पित करते समय जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी है, उसकी आप कामना करेंगे कि हे गणेश जी, मेरी ये समस्या बहुत जल्द दूर हो जाए और मैं जानती हूँ कि मेरी परेशानी अब दूर ज़रूर होगी। आपको ऐसे हर बुधवार को अर्पित करना है और देखिएगा चमत्कार आपको 40 दिन के अंदर मिलेगा। इसके साथ ही आपने हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को एक तेज पत्ता अर्पित करना है। जब आप माँ लक्ष्मी को तेज पत्ता अर्पित कर रहे हैं उस समय आपकी जो भी समस्या है, आपकी समस्या धन को लेकर है, आपकी समस्या व्यापार को लेकर है, शादी को लेकर है, प्रमोशन को लेकर है, जो भी आपकी समस्या है, कर्जा बहुत हो गया, उतर नहीं पा रहा है, तो आपने रोज़ सुबह स्नान के बाद माँ लक्ष्मी को एक तेज पत्ता अर्पित करना है और गाय के घी का दिया जलाना है। उसके बाद आपने अपनी कामना करनी है, जो भी आपको समस्या आ रही है वो माँ से कहनी है और बहुत शीघ्र आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी वो परेशानी, आपकी वो समस्या ज़रूर दूर होगी और जो इच्छा आप कर रहे हैं, इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। अब बताने जा रही हूँ 3 तेज पत्ते का वो उपाय जिसको करने से आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्या दूर कर सकते हैं। आपने ये पत्तों का करना किस प्रकार से है, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने 3 तेज पत्ते लेने हैं। आपने ये देखना है कि ये कहीं से भी कटे फटे, टूटे हुए नहीं होने चाहिए या बहुत पुराने आपके घर में रखे हों, ऐसे तेज पत्ते भी नहीं लेने हैं। अब आपकी जो भी कामना हो, जो भी समस्या हो, कितनी ही बड़ी परेशानी से आप निकल रहे हैं और आपको उसका हल नहीं मिल रहा है, तो आपने इन तेज पत्ते पे अपनी समस्या लिखनी है कि मुझे ये समस्या आ रही है। पहले पत्ते पे लिखेंगे, दूसरे पत्ते पे लिखेंगे कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ये समस्या ज़रूर दूर हो जाएगी। तीसरे तेज पत्ते पे लिखेंगे कि मेरी समस्या का पूर्ण रूप से निवारण हो चुका है। ठीक है, इसको मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले तेज पत्ते पे आप लिखेंगे आपको जो समस्या आ रही है वो लिखेंगे, दूसरे तेज पत्ते पे आप लिखेंगे कि मेरी समस्या दूर हो गई है, और तीसरे पे लिखेंगे कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी ये सारी परेशानी दूर हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है और मेरे जीवन में अब किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। इसको आपने रेड कलर के पेन से लिखना है। ये रेड कलर का पेन कोई भी हो सकता है, आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं, आप मार्कर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का पेन यूज़ करेंगे। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। करना आपने इसको शाम को है, शाम को 4 से 6 के बीच में इस उपाय को करेंगे। जब आपने लिख लिया है उसके बाद आपने
तीनों पत्तों को अपने लेफ्ट हैंड में लेना है, लेफ्ट हैंड में रखेंगे, राइट हैंड से उसे कवर कर देंगे और उसके बाद आपने फिर से अपने ईस्ट को याद करते हुए कामना बोलनी है कि मेरी ये परेशानी अब दूर हो गई है और मुझे पूरा विश्वास है, मैं अब बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। उसके बाद आपने ये तीनों पत्ते अपने हार्ट चक्रा पे लगाने हैं, हार्ट चक्रा पे लगाएंगे। इसके बाद आपने इसको एक कांच की प्लेट में रख लेना है, तीनों पत्ते आप कांच की प्लेट में रखेंगे, इसके ऊपर कपूर रखकर आपने तीनों पत्तों को जला देना है, ठीक है। तीनों पत्ते आप जला देंगे, जब आप इनको जलाएंगे तो इनकी ऐश यानी कि राख हमारे पास आ जाएगी जो पाउडर फॉर्म में होगी। आपने अब अपने घर के बाहर जाके जहाँ खुला एरिया है वहाँ पर प्लेट से ही इस राख को फूंक मारकर उड़ा देना है, यानी कि जो आपकी इच्छा है, जो आपकी विश है, उसको इस ब्रह्मांड में फैला देना है और इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ फिर आपकी हर परेशानी को दूर करेंगी और जो आपकी मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण होगी। ध्यान रखिएगा, इसको आपने फूंक मार के हवा में उड़ा देना है, फेंकना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस उपाय को आप करिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, जो समस्या है वो दूर होगी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जितने भी उपाय मैं बताती हूँ वो 100% सटीक होते हैं। बहुत सारे इन उपायों से लाभ उठा चुके हैं और मेरे पास जो लोग समस्या लेके आते हैं तो मुझे लगता है कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी होंगे जिनकी समस्या ज़रूर दूर होनी चाहिए और उनकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।